और इस वीडियो का पहला सवाल है कि 22 जून 2020 को भारत में जन्मे प्रसिद्ध पाकिस्तानी शिया विद्वान एवं लेखक का निधन हो गया है, जो कि 81 वर्ष के थे। पेशे से कवि, इतिहासकार और दार्शनिक थे। इन्हें जो है सितारा इम्तियाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पाकिस्तान सरकार के द्वारा। इनका नाम था तालिब जौहरी। आइए इससे जुड़ा हुआ सवाल देखते हैं। 22 जून 2020 को तालिब जौहरी का निधन हो गया। वह थे तो वह लेखक थे, कवि थे, इतिहासकार थे और साथ ही में दार्शनिक भी थे। और अगला सवाल है कि 25 जून 2020 को कौन कूलिंग उत्पाद और उपकरण कंपनी जिसका नाम कैरियर मीडिया इंडिया है के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं, तो इसका उत्तर होगा संजय महाजन। और नेक्स्ट है, 27 जून 2020 को मिशेल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसका उत्तर होगा आयरलैंड, जिन्होंने आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ ग्रहण किया है और इस पद पर उन्होंने भारतीय मूल के लियो वडरकर का स्थान लिया है। और अगली चर्चित पर्सनैलिटी हैं डॉक्टर सेतु रमन पंचनाथन। जून 2020 में डॉक्टर सेतु रमन पंचनाथन किस देश के नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रमुख नियुक्त हुए हैं, तो इस देश का नाम है अमेरिका, जो कि एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे डॉक्टर सेतु रमन पंचनाथन। इनको अमेरिका के जो है एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल साइंस फाउंडेशन, यहाँ का जो है प्रमुख बनाया गया है। और अगली न्यूज आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल से जुड़ी हुई है। जून 2020 में कौन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो मैंने नाम पहले ही बता दिया, डॉक्टर उर्जित पटेल। और इस संस्था के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। दरअसल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फाइनेंस एंड पॉलिसी जो है एक आर्थिक थिंक टैंक है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और इस पद पर डॉक्टर उर्जित पटेल का जो है वो 4 वर्ष का कार्यकाल होगा। इस पद पर उन्होंने विजय केलकर का स्थान लिया है। और अगली न्यूज संयुक्त राष्ट्र महासभा से जुड़ी हुई है, उसके 75वें अधिवेशन के अध्यक्ष को लेकर के जुड़ी है। सवाल पहले देखते हैं, 17 जून 2020 को कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, तो इनका नाम है बोल्कन बोजकिर, जो कि तुर्की के हैं। किस देश के राजनयिक हैं, तो ये तुर्की के राजनयिक हैं। और इससे पहले इस पद पर जो है अध्यक्ष जो थे वो नाइजीरिया से थे और उनका नाम था प्रोफेसर तिजानी मोहम्मद बंदे। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 75वां अधिवेशन होगा वो सितंबर 2020 में होने वाला है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां अधिवेशन जो है वो कब होगा, तो सितंबर 2020 में प्रस्तावित है। और इसके नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है बोल्कन बोजकिर, और जो कि तुर्की के राजनयिक हैं। और इस पद पर उन्होंने नाइजीरिया से पहले रहने वाले अध्यक्ष जिनका नाम प्रोफेसर तिजानी मोहम्मद बंदे था, उनका स्थान लिया है। और अगला सवाल बेहद खास है, बहुत महत्वपूर्ण है, कि 15 जून 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री मुखमेद कल्ली अबिलगाजीब ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। नाम एक बार फिर से देखेंगे, थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट है। इनका नाम है मुखमेद कल्ली अबिलगाजीब, जो कि किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और जून 2020 में कौन US मिलिट्री अकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी है, तो इनका नाम था अनमोल नारंग, जिन्होंने US मिलिट्री अकेडमी से ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की है, ग्रेजुएशन की, और पहली सिख महिला बनी हैं ये। और 28 मई 2020 को प्रसिद्ध मलयालम लेखक एवं पत्रकार तथा राज्यसभा सदस्य MP वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष का प्रतिष्ठित 30वां मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो वर्ष 2016 का 30वां मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये पुरस्कार उनकी यात्रा वृत्तांत जिसका नाम हैमोथा भूमियल था उसके लिए इन्हें प्रदान किया गया था। और नेक्स्ट है कि मई 2020 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, तो इसका उत्तर होगा अरुण सिंघल। और यहाँ पर थोड़ा सा हम FSSI के बारे में देख लेते हैं कि FSSI यानी कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है क्या। दरअसल FSSI स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन खाद्य उद्योग के लिए मानक निर्धारित करने और खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री, आयात इत्यादि को नियमित करने के लिए एक शीर्ष निकाय है। यानी कि खाद्य पदार्थ से लेकर के, खाद्य उद्योग से लेकर के, जो भी मार्केट में आने वाली खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं उन सब के लिए जो नियम बनाता है, जो मानक निर्धारित करता है, वो कौन निर्धारित करता है, तो ये निर्धारित करता है FSSSI। और इसकी स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये शीर्ष निकाय है, तो इस प्रकार की जो भी खाद्य उद्योग हैं उस सब के लिए जो है शीर्ष संस्था यही है, जिसका नाम है भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण।
और 3 जून 2020 को भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रवीश कुमार किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं, तो फिनलैंड के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। और साथ ही में नियुक्ति से जुड़ा एक और सवाल है कि 2 जून 2020 को केंद्र सरकार ने किसे यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है, तो उनका नाम है गायत्री आई कुमार। जून 2020 में पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर किस वैश्विक कंपनी की भारत में नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो इस कंपनी का नाम एडिडास है और एडिडास एक जर्मन स्पोर्ट ब्रांड है। जून 2020 में कौन दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं, तो इसका उत्तर होगा राजीव सिंह। हाल ही में किसने वर्ष 2021 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो इनका नाम है उदय कोटक। और उदय कोटक आपको पता होगा कि कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO भी हैं, तो इन्होंने वर्ष 2021 के लिए CII के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वहीं पर उपाध्यक्ष के रूप में संजीव बजाज ने जो है पदभार ग्रहण किया है, और जो कि जो है बजाज फिनसर्व लिमिटेड के अध्यक्ष और MD हैं। और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, उदय कोटक ने किसका स्थान लिया है, तो विक्रम किर्लोस्कर का स्थान लिया है जो कि किर्लोस्कर सिस्टम के अध्यक्ष और MD हैं। और अगला सवाल है कि जून 2020 में कौन महासागर के सबसे गहरे बिंदु मैरियाना ट्रंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी है, तो इनका नाम है कैथरीन डी सुलिवन, जिन्होंने प्रशांत महासागर में स्थित सबसे निम्नतम बिंदु या कहें कि सबसे गहरा स्थान जो है मैरियाना ट्रंच, वहां पर पहुंचने में जो है विश्व में प्रथम स्थान हासिल किया है। आइए इनसे जुड़ा हम और तथ्य देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि मेरियाना गर्त जो है विश्व का एक प्रमुख और सबसे अधिक गहरा महासागरीय गर्त है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मेरियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर पूर्व स्थित है। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है, वो जो है मेरियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर पूर्व में है। वर्ष 1984 में अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला भी हैं। वह वाक इन स्पेस के लिए सबसे गहरे बिंदु तक उतरने वाली पहली व्यक्ति भी बनी हुई हैं, यानी कि सबसे पहले वाक इन स्पेस जो है इन्होंने ही किया था, जिनका नाम कैथरीन डी सुलिवन है। तो इनके नाम मोटे तौर पर दो उपलब्धि है, एक तो वाक इन स्पेस वाली उपलब्धि और दूसरी जो है मैरियाना ट्रेंच में उतरने की उपलब्धि। दोनों ही उपलब्धि कैथरीन डी सुलिवन के पास है। और अगली न्यूज, 12 जून 2020 को आनंद मोहन जुत्थी गुलजार देहलवी का निधन हो गया। वह थे तो वह एक उर्दू कवि थे, और एक अच्छी बात यह है कि ये स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े रहे। वर्ष 1975 में उनके द्वारा एक पत्रिका शुरू की गई थी, साइंस की दुनिया। और अगला है कि 12 जून 2020 को किसने पूर्वी नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है, तो इनका नाम है वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता, जो कि पूर्वी नौसेना कमान की जो है अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है, चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में, यानी कि जो एक बतौर अध्यक्ष के रूप में ही काम करते हैं। और पूर्वी नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये विशाखापत्तनम में है। जून 2020 में कौन गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बनाए गए हैं, तो इसका उत्तर होगा अनिल वल्लूरी। और हाल ही में किस भारतीय छात्रा को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है M. नेत्रा। देखिए सवाल महत्वपूर्ण है।